कटेंगे बटेंगे नारे इस तरह के वाहियात नारे हैं। एक है सेफ, अगर कोई बात करता है तो हमारा नज़रिया तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एकता का है। अगर उस नज़रिए से वो कहते हैं तो अच्छी बात है, उनका नज़रिया बदल रहा होगा तो अच्छी है उसका। क्या भारतीय जनता पार्टी फारूक अब्दुल्ला जी से या मुफ्ती जी की पार्टी से क्या समझौता उन्होंने नहीं किया? तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट ये सभी लोगों ने कभी ना कभी किया है। विभाजनकारी राजनीति ज़्यादा दिन चलती नहीं। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई 1992 में, कल्याण सिंह जी की सरकार बर्खास्त की गई, पूरी तरह से धार्मिक उत्पाद जो था वो अपनी चरम सीमा पे था। लेकिन जब 93 में चुनाव हुए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई। फिर धर्म के नाम पे राजनीति चलती रही। मंदिर बनाने के बाद अयोध्या में सीट हार गए। उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान झेलना पड़ा तो वाहियात नारों से धर्म पर आधारित राजनीति करने से ज़्यादा दिन तक उसका फायदा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे पार्टी के नेताओं के और मेरे अपने भी वैचारिक मतभेद हैं। हम तो धर्म पर आधारित राजनीति के विरोध करने वाले लोग हैं, हमेशा करते रहे, लेकिन पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है ये दादा ने भी कहा, और जो लोग जिनके साथ एडजस्टमेंट है वो भी ये कहते हैं। कभी भी धर्म पर आधारित राजनीति नहीं करता रहा। एक विशेष लोग, समाज के लोग मुझे वोट देंगे ये दृष्टिकोण कभी भी मेरा नहीं रहा। हम सभी को साथ में लेकर राजनीति करते रहे, चाहे नेहरू नगर से विधायक बने, चाहे आनंद शक्ति नगर से विधायक बने, सबको साथ में लेकर राजनीति किया। जिस तरह से माहौल बना है, जिस तरह से गुंडागर्दी है, नशे का कारोबार है, पूरी तरह से फिल्म में जिस तरह से नेता की एक छवि वो दिखाई जाती है, वही हालात ग्राउंड पे हैं। वोट विभाजन करने का कहाँ सवाल है, मैं चुनाव लड़ने के लिए जीत रहा हूँ। मेरे खिलाफ़ तो महाविकास आघाड़ी, महायुति सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और 90,000 का डिफरेंस था लोकसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी महायुति के बीच। जो बुलेट पाटिल उम्मीदवार हैं वो 28,000 की मर्यादा है, उससे ज़्यादा वोट नहीं ले सकते, और 28,000 में कोई चुनाव जीता नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा चुनाव के प्रचार जोरों शोरों से चल रहे हैं, और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हुए हैं नवाब मलिक जी के साथ, जो कि मानखुर्द शिवाजी नगर से अजीत पवार की एनसीपी के कैंडिडेट हैं, और वो सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं अबू आजमी को, जो कि इस वक्त इस इलाके से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हम नवाब जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, आगे की रणनीति कैसी होगी और किस तरह का ये प्रचार चल रहा है। नवाब जी, आपका स्वागत है लोकमत हिंदी में। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर क्या वो ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से आपने ये फैसला लिया कि आपको आपकी सीट से नहीं बल्कि आपके बगल की जो सीट है मानखुर्द शिवाजी नगर, वहां से चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि 2019 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे, हमारी बेटी चुनाव पीछे से पूरी तरह से संचालित कर रही थी, और जब 19 में नतीजे आए, अलग तरह की सरकार बनी, उस सरकार में मैं मंत्री बन गया। जब मंत्री कोई बनता है तो उसका ज़्यादा समय विभाग को संभालना, और दो दो जिले का मैं पालक मंत्री था, परभनी का और गोंदिया का, तो जो लोगों के दिन ब दिन के जो काम थे या हमारी विधानसभा क्षेत्र के जो काम थे, जिम्मेदारी हमने सना को दी थी, वो पूरा काम देख रही थी। फिर कोविड आ गया, उसके बाद जिस तरह से मेरी गिरफ्तारी हुई, 18 महीने मैं जेल में और अस्पताल में रहा, उस दौरान सारे जो जिम्मेदारी थी, मैंने कहा था कि अब आपको और भी मेहनत करनी पड़ेगी, हम हैं नहीं, तो आप लोगों के बीच में रहिए और सारा काम करिए। कोर्ट के ऑर्डर से हम लोग लेटर वगैरह पर दस्तखत कर देते थे, तो पूरा काम वही संभाल रही थी विधानसभा का क्षेत्र का। उसके बाद जब मेरी जमानत पर रिहाई हुई मेडिकल ग्राउंड में, फिर कुछ दिन मैं घर पर रहने के बाद, लगभग 2 साल के गैप के बाद मैं कार्यालय में जाकर बैठने लगा, जो हमारा अनुशक्ति नगर विधानसभा का अपना कार्यालय है, जहाँ जनता के लिए मिलने के लिए हमने रखा है।
तो मैं सुबह 10 बजे पहुंच जाता था। सना उनकी 2 बेटियां हैं, वो उनको स्कूल भेजना, घर का काम देखना, और वो 11 बजे तक कार्यालय आती थी। तो जब मैं जाके बैठता था तो लोग भीड़ तो बाहर रहती थी। जब मैं स्टाफ से कहता था कि बुलाइए, भीड़ बैठी है तो उनके क्या काम है, सुनते हैं, काम कर देते हैं, तो एक ही जवाब आता था स्टाफ की तरफ से कि वो आपको नहीं, मैडम को मिलने के लिए बैठे हुए। तो एक दिन नहीं, लगातार 15 दिन 20 दिन तक इसी तरह की हालत बने रहे। तो मैंने फैसला किया कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और सना को इस विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा। महिलाएं उससे कनेक्ट हो गई, युवा पीढ़ी, जो एक जनरेशन गैप हम लोगों की वजह हो जाता है, वो लोग उससे कनेक्ट हो गए। और फैसला हमने किया था कि हम चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद शिवाजी नगर मानपुर इलाके से लोग लगातार मेरे पास आते रहे और वे मांग करते रहे कि आप चुनाव शिवाजी नगर मानपुर से लड़िए। शुरुआत में मुझे लगा कि लोग हर जगह पे विधायक के खिलाफ होते हैं, विपक्ष में लोग होते हैं, तो मुझे लगा कि ऐसी कोई उनके विरोधी हैं जो बार बार मुझसे आके मिल रही। संख्या हजारों की तादाद में होने लगी। कुछ मेरे गांव के, मेरे जानने वाले, पॉलिटिकली कुछ लोग मेरी पहचान थी, तो लोगों की जो भावना थी कि दूसरा कोई लड़ नहीं पाएगा और लड़ेगा तो धमका के बैठा दिया जाएगा, आप हैं जो दम से लड़ सकते हैं और जो समस्या है उसका आप समाधान कर सकते हैं। लोगों का सबसे बड़ा जो सवाल था वो ड्रग को लेके था कि नशे का कारोबार सरेआम चल रहा है और चल नहीं रहा है। जो वर्तमान के विधायक जी हैं उनके लोग ही सारे कारोबार में लिप्त हैं। और लोगों का कहना था गुंडागर्दी है, उनके कार्यकर्ता लाठी लेके लोगों को डरवाते हैं, लाठी मोर्चा निकलता है, मेगाफोन पे ऐलान करते हैं कि जो हमारे खिलाफ जाएगा, विरोध करेगा, हम पिछोड़ा लाल कर देंगे। इस तरह की वीडियो हमने देखे। कुछ एनजीओ के लोग, जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रही है एक महिला, उसकी एक वीडियो मैंने देखी। वो कार्यालय में गई थी साफ सफाई को लेके कंप्लेंट कर रहे, उसके कपड़े फाड़े गए, मारा गया उसको, और कत्ल हो रहे थे, मर्डर उसकी वीडियो बना के वायरल किए जा रहे थे। कुल मिला के हालात ऐसे थे कि लोगों को कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो ये चीज़ों को रोक पाए। तो मुझे भी लगा कि चैलेंजिंग जॉब है और हमें कहीं ना कहीं इसे रोकने के लिए आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने फैसला किया। फिर अजीत पवार जी से मैंने बात की कि मेरी सीट पे तो मैं नहीं लड़ूंगा, सेना लड़ेगी, लेकिन जो शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा है वहाँ से जनता चाहती है मैं चुनाव लड़ूँ। अगर आप मुझे चुनाव लड़वा सकते हैं तो ठीक, नहीं तो हम लोग लड़ेंगे, तो इंडिपेंडेंट चुनाव दोनों लोग लड़ेंगे, सना अनुशक्ति नगर से और मैं शिवाजी नगर से। तो उन्होंने साफ कर दिया था कि आपको दोनों सीट लड़नी। फिर संभ्रम पैदा हो गया, भारतीय जनता पार्टी का विरोध चला, शिवसेना ने अपना कैंडिडेट डाल दिया, लास्ट मोमेंट में मुझे उम्मीदवार बनाया गया, मेरे प्रचार के लिए भी आए। ट्रिगर पॉइंट यही है कि हम व्यक्ति या दल के खिलाफ तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे और मैं चुनाव तो लड़ नहीं रहा हूँ, लोग मुझे चुनाव लड़वा रहे हैं और हम लोग लड़ रहे हैं नशे के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, अराजकता फैली हुई उसके खिलाफ। और वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। डंपिंग ग्राउंड एक बड़ा मुद्दा है, SMS कंपनी जो मेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल का पॉइंट बना हुआ है वो है, फिर एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ को लेके भी बहुत समस्या है, माल न्यूट्रिशन का मामला है, अभी भी कुपोषण से बच्चे वहाँ मरते हैं, एवरेज एज जो वहाँ 39 ईयर है उस इलाके में, कैंसर, TB, इस तरह की बीमारियाँ हैं, गरीबी है। मुझे लगा एक चैलेंजिंग जॉब है, मुंबई का सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे गरीब इलाका है, तो हमें कहीं ना कहीं लोगों के जो ये परेशानी है उसको दूर करने के लिए लोग मांग करते हैं तो चुनाव लड़ा जाए, और तब मैंने फैसला किया था। लेकिन सर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब आप जेल में थे तो उस वक्त अबू आजमी जो है वो आपका जो निर्वाचन क्षेत्र था अनुशक्ति नगर वाला, वहां पर अबू आजमी अपनी पैठ बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे और इसी का आपने बदला लेने के लिए अबू आजमी के खिलाफ आप मैदान में उतरे। उनकी कहीं पैठ ही नहीं है भाई साहब। 1996 में जब मैं बाय इलेक्शन लड़ा और जीता, एक हवा समाजवादी पार्टी की शहर में बनी,
32 कॉर्पोरेटर जीत गए और उसके बाद कुछ दिनों तक चीज़ें चलती रही, लेकिन राजनीति को उन्होंने व्यापार बना दिया। उम्मीदवार खड़ा करने के पैसे लेने लगे, बैठाने के पैसे लेने लगे, जिस तरह से राजनीति को व्यवसाय बनाया, तो कोई पैठ नहीं है। जो हमने एक अलग तरह से पार्टी खड़ी कर दी थी, हम लोग अलग होने के बाद कोई पैठ नहीं है, सिर्फ एक हवा खड़ा हुआ था इस चुनाव में, वो सारा हवा निकल जाएगा। 1996 की सर आपने बात की, आप समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, जीत कर भी आए थे, तो क्या हुआ था, क्यों आपने पार्टी छोड़ी? की ये ऐसा है कि वे तो कहते हैं कि उन्होंने मुझे विधायक बनाया जी, मुझे राजनीति सिखाई। मैं आपको बता दूं, 1995 में पहली बार मैं कांग्रेस में था, पवार साहब मुख्यमंत्री थे, इंटरव्यू ले रहे थे टिकट के लिए। मैंने पवार साहब से स्पष्ट कहा था कि आप कांग्रेस से मुझे टिकट दें या ना दें, मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता राज बब्बर जी थे उस वक्त, जो मुंबई में सीटों को लेके देख रहे थे। हमारे एक मित्र के जरिए मैं उनसे मिला कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपकी पार्टी से लड़ता हूँ। तो उन्होंने मुझे 95 में टिकट दिया, मैं चुनाव हार गया। मुलायम सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप चुनाव हारे नहीं, हराए गए हैं, और बेईमानी के जरिए आपको चुनाव हरवाया गया। तो जो मंत्र नेताजी ने दिया था बेईमानी रोकने का, 1996 में हमने रोका और हम चुनाव जीत गए। उसके बाद ही पार्टी खड़ी हुई, लेकिन हम लोग आइडियोलॉजिकली सेकुलर हैं, धर्म पर आधारित राजनीति नहीं करते। इन्हें हम लोगों ने अध्यक्ष बना दिया था, अब ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की ही सियासत करने लगी, जिसका कोई तर्क नहीं हो, जो कोई अस्तित्व ना हो, ऐसी विवादित चीज़ें करने लगे। तो मुझे लगता, और मैं मंत्री बन गया था, नेताजी ने मुझे मंत्री बनाया था, तो कहीं ना कहीं बेचैनी इनकी थी, बिना मतलब के विवाद खड़ा किया करते थे। तो फिर मैंने नेताजी से बात करके, राज बब्बर जी से बात करके पार्टी से अलग होने का फैसला किया। ये नहीं कोई कटुता पैदा की हमने नेताजी से या राज बब्बर जी से, सीधे उनसे बात करके हमने पार्टी छोड़ी थी। और जो विवाद बिना मतलब के खड़ा करते थे, जो हम लोगों के स्वभाव के खिलाफ था, इसलिए हमने अपना अलग रास्ता इख्तियार कर लिया। अबू आजमी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नवाब मलिक मानखुर शिवाजी नगर से इसलिए मैदान में उतर रहे हैं क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट्स भी काटना है। अबू आजमी का ये कहना है कि दरअसल हमारी जो वोट बैंक है वो बढ़ता गया है, 2014 में 38,000 वोटों से जीत के आए थे, उसके बाद 40,000 वोटों से जीत कर आए हैं, 60,000 वोट जो पिछले चुनाव मिले उन्हें मिले थे। तो उनका कहना है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें विभाजित करने का, गांधी भी चुनाव हारी थी, वोट विभाजन करने का कहां सवाल है? मैं चुनाव लड़ने के लिए जीत रहा हूं, मेरे खिलाफ तो महाविकास आघाड़ी, महायुति सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और 90,000 का डिफरेंस था लोकसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी महायुति के बीच। जो बुलेट पाटिल उम्मीदवार हैं वो 28,000 की मर्यादा है, उससे ज़्यादा वोट नहीं ले सकते, और 28,000 में कोई चुनाव जीता नहीं जा सकता। लेकिन मैं तो आज ये भी समझता हूँ कि बुलेट पाटिल जी 8,000 के भीतर चले जाएंगे। जिस तरह से माहौल बना है, जिस तरह से गुंडागर्दी है, नशे का कारोबार है, पूरी तरह से फिल्म में जिस तरह से नेता की एक छवि दिखाई जाती है, वही हालात ग्राउंड पे हैं। लोग मुझे चुनाव लड़वा रहे हैं, मुझे लोगों ने न्योता देकर बुलाया, और मेरा चुनाव तो जनता लड़ रही है। तो वोट विभाजन हो जाएंगे, ये डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नवाब मलिक कभी भी धर्म पर आधारित राजनीति नहीं करता रहा, एक विशेष लोग समाज के लोग मुझे वोट देंगे, ये दृष्टिकोण कभी भी मेरा नहीं रहा। हम सभी को साथ में लेकर राजनीति करते रहे, चाहे नेहरू नगर से विधायक बने, चाहे अनुशक्ति नगर से विधायक बने, सबको साथ में लेकर राजनीति की। और मुझे लगता है इस बार का चुनाव मेरे जीवन का सबसे आसान चुनाव है, क्योंकि जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है और भारी मतों से हम जीतेंगे, आप देखोगे। आपने धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों की बात कही, अबू आजमी पर कटाक्ष किया, लेकिन आपका अलायंस जिसके साथ है उसमें दो पार्टियां, मेरा अलायंस नहीं, मेरे खिलाफ आपको जहां से टिकट मिली है उस पार्टी का जिसके साथ अलायंस है उसमें है, दो पार्टियां जो है वो की राजनीति करती है। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे पार्टी के नेताओं के और मेरे अपने भी वैचारिक मतभेद है। हम तो धर्म पर आधारित राजनीति के विरोध करने वाले लोग हैं, हमेशा करते रहे, लेकिन पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, ये दादा ने भी कहा। और जो लोग
जिनके साथ एडजस्टमेंट है वो भी ये कहते हैं, लेकिन जो लोग सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद किए हुए हैं, क्या मुलायम सिंह जी ने पहली बार जब मुख्यमंत्री बने क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नहीं बने थे? जो लोग झंडा बुलंद कर रहे हैं आज सेकुलरिज्म का, चाहे बंगाल में ममता दीदी हो, किसके समर्थन से राजनीति करती रही? या भारतीय जनता पार्टी फारूक अब्दुल्ला जी से या मुफ्ती जी की पार्टी से क्या समझौता उन्होंने नहीं किया? तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट ये सभी लोगों ने कभी ना कभी किया है। आज चाहे जो बोलते रहें, जो लोग आज जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो हम पर उंगली उठाते हैं, वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट सभी लोगों ने किया है, ये जग जाहिर है, लोगों को पता है। और हमें लगता है ठीक है, मेरे चुनाव लड़ने से हमारे मित्र भी बहुत प्यार मुझ पे करते हैं, विरोधी भी मुझसे प्यार करते हैं, और जिस तरह का प्रेम मेरे प्रति सभी दलों का छलक रहा है, मुझे लगता है एक परेशानी बौखलाहट के कारण इस तरह के बयान लोग दे रहे हैं। जब आप निर्वाचन क्षेत्र में आपके जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, तो वहाँ पर जब कोई अगर मतलब सवाल पूछ ले कि आपके सहयोगी पार्टी के एक फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं और महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक है तो सेफ है वाले नारे लगाते हैं, कटेंगे बटेंगे नारे इस तरह के वाहियत नारे हैं, एक है सेफ अगर कोई बात करता है, तो हमारा नजरिया तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एकता का है। अगर उस नजरिए से वो कहते हैं तो अच्छी बात है, उनका नजरिया बदल रहा होगा तो अच्छी है उसका, कहीं ना कहीं मैं तो उसी अंदाज में चीज़ों को देखता हूँ। मैं किसी भी गिलास में आधा खाली नहीं देखता, आधा भरा हुआ पानी मुझे नज़र आता है, नज़रिया अपना अपना होता है। हम एकता में विश्वास करने वाले लोग हैं। जहाँ तक सवाल है, विभाजनकारी राजनीति ज़्यादा दिन चलती नहीं। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई 1992 में, कल्याण सिंह जी की सरकार बर्खास्त की गई, पूरी तरह से धार्मिक उत्पाद जो था वो अपनी चरम सीमा पे था। लेकिन जब 93 में चुनाव हुए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई। फिर धर्म के नाम पर राजनीति चलती रही, मंदिर बनाने के बाद अयोध्या में सीट हार गए, उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान झेलना पड़ा, तो वाहियात नारों से धर्म पर आधारित राजनीति करने से ज़्यादा दिन तक उसका फ़ायदा नहीं होता, लोगों को समझना पड़ेगा। और ऐसी राजनीति का हम कभी भी समर्थन कहीं कर नहीं सकते, हमारा विरोध कायम रहेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में अच्छे सीट्स नहीं मिलेंगे, अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे। देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी तो करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुकाबला महाराष्ट्र में काटेगा ये लोगों को समझना पड़ेगा। सर, जब आप जेल में थे, बाहर निकले, तो आप एनसीपी जो है दो टुकड़े में बट चुकी थी, तो आपने कब ये फैसला लिया कि आपको साहब के साथ नहीं जाना चाहिए? मैं जहाँ था वहाँ हूँ, नवाब मलिक एनसीपी मेरे हैंडल पे लिखा हुआ है, तो मैं तो पार्टी मैंने बदली नहीं। हाँ, ये बात है कि पवार साहब के साथ मैं नहीं गया, क्योंकि जब मेरे ऊपर संकट था तो जिस ताकत से अजीत पवार जी मेरे परिवार के लोगों, मेरी बेटियों का साथ दे रहे थे, हम लोगों का साथ उन्होंने दिया, तो उसी वक्त हमने फैसला किया था कि जो हमारे साथ खड़ा है संकट में, हम उनके साथ रहेंगे। हमने कोई अपना फैसला बदला नहीं, हम जहाँ थे वहाँ खड़े रहे। हाँ, पवार साहब के भी मेरे संबंध अच्छे रहे हैं, सुप्रिया ऐसे भी है, और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे जी का भी मैंने बार बार आभार माना है कि मैं जेल में जब तक सरकार रही मैं मंत्री बना रहा। केजरीवाल और नवाब मलिक दो ही ऐसे व्यक्ति हैं कि मंत्री की हैसियत से जेल में रहे वो। जी सर, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आप जहाँ पर से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर आपको ना तो एकनाथ शिंदे समर्थन दे रहे हैं, ना तो बीजेपी समर्थन दे रही है, तो उनकी वजह से कितनी मुझे उनकी जरूरत भी नहीं है। जहाँ भी हम चुनाव लड़ते हैं वो ऑल पार्टी वर्सेस नवाब मलिक का चुनाव होता है, चाहे हमने 96 में चुनाव जीता, चाहे उसके बाद लगातार चुनाव जीते, जिस पार्टी में रहे अंदर से भीतर घात तो होता रहता है। और सारे विपक्ष के लोग जब आप मजबूत होते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि एक हो गए इन्हें हराया जाए, इस तरह की चीज़ें हमेशा होती रही है। ऑल पार्टी वर्सेस नवाब मलिक का चुनाव है, फिर भी जनता हमारे साथ है, हम चुनाव जीतेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, चुनाव के बाद क्या आप, अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो क्या आप अजीत पवार को सलाह देंगे कि शरद पवार जी के साथ चले जाएं? महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि परिवार एक रहे। मैं तो ये मानता हूँ कि लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता, लेकिन जब तक दोनों नेता ये तय नहीं करेंगे चीज़ें बदल नहीं सकती। हाँ,
नतीजे के बाद अजीत पवार ये महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर रहेंगे, इसमें मेरे मन में कोई भी शंका नहीं। नवाब जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नवाब मलिक जी हमारे साथ थे, जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह से उनकी ये जो राजनीति सफर रही है, किस तरह से अबू आजमी के साथ उनकी अनबन रही है, किस तरह से उन्हें समाजवादी पार्टी छोड़कर एनसीपी में वो ज्वाइन हुए थे, सारी चीज़ें उन्होंने बताया। और साथ ही ये बताया कि आने वाले चुनाव में जो भी नतीजे आएंगे उसमें अजीत पवार की एनसीपी जो है वो किंग मेकर शामिल होगी। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के आएगी और कौन सी पार्टी किंग मेकर बनकर आएगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं।